दोस्तों आज भारत के लिए ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर पाकिस्तान और चीन काफी हद तक परेशान हो गए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों रूस और टर्की ने एक ऐसा काम कर दिया है कि पाकिस्तान की नींद ही उड़ गई होगी और भारत के रक्षा विशेषज्ञ भी बहुत खुश है। दोस्तों धीरे धीरे पाकिस्तान का वो डर भी सही साबित हो रहा है जिसमें पाकिस्तान सोचता था कि भारत कुछ सालों में ही अपने पीओके को वापस ले लेगा और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को भी अपना बना लेगा। दोस्तों रूस और टर्की ने पाकिस्तान के इस डर को सही साबित कर दिया है। दोस्तों कुछ सालों में भारत इतना ताकतवर हो जाएगा कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के आसमान में उड़ेंगे और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों टर्की ने भी रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है जो रूस भारत को देने वाला है। बात करें S-400 की तो ये दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों टर्की ने S-400 से ऐसा टेस्ट किया है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के ऊपर टेस्ट किया गया है। दोस्तों टर्की ने S-400 का टेस्ट पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट F-16 के ऊपर किया है और इस टेस्ट के नतीजे ने पाकिस्तान को पूरी तरह से रुला दिया है। दोस्तों इस टेस्ट में S-400 ने F-16 को 400 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर लिया था और जो ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे कि ग्लोब मास्टर अवाक्स को 600 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। दोस्तों अब आप समझ लीजिए, अब कभी भी पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट उड़ेंगे तो भारत उन्हें तुरंत ही डिटेक्ट कर लेगा और तुरंत निस्तबूत कर देगा। दोस्तों भारत की निगाह एक पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर भी है। दोस्तों अब भारत एक तरफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रखेगा और दूसरी तरफ पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान रखेगा। दोस्तों अमेरिका भारत को F-35 दे सकता है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका भारत को F-35 नहीं देगा क्योंकि भारत रूस से S-400 खरीद रहा है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका ने भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर अपाची दे चुका है और ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर चिनूक भारत को सौंप दिया गया है। दोस्तों भारत एकमात्र ऐसा देश है जो चीन को रोक सकता है और ये बात अमेरिका को भी पता है कि भारत ही चीन को रोक सकता है, तो इसलिए अमेरिका और भारत के बीच F-35 की डील हो सकती है और अमेरिका 36 F-35 लड़ाकू विमान की डिलीवरी जल्द से जल्द कर सकता है। दोस्तों अब आपको एक साल और इंतजार करना है फिर रूस भारत को S-400 का पहला बैच डिलीवर कर देगा। दोस्तों अमेरिका 2 साल के अंदर 108 F-35 लड़ाकू विमान बना सकता है। अगर भारत ने 20 F-35 को भी खरीद लिया तो पाकिस्तान तो पूरी तरह से निस्तबूत हो जाएगा और फिर भारत को रोकना पूरे एशिया में किसी भी देश की बस की बात नहीं रहेगी। दोस्तों इस वक्त भारत के पास ऐसे ऐसे खतरनाक लड़ाकू विमान है जिससे भारत दुनिया के सबसे ताकतवर वायुसेना बनने की कगार में चल रहा है। दोस्तों अगर 2022 तक भारत और अमेरिका के बीच F-35 की डील हो जाती है तो भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बनेगा जिसके पास रूस का S-400 और अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान होगा और इस हथियारों के वजह से भारत को पूरे एशिया में कोई नहीं हरा सकता है। दोस्तों भारत ओरा और AMCA को भी बना रहा है। अगर ओरा विमान बन गया तो आतंकवादियों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। ओरा एक तरह का ड्रोन है जिसे कई खतरनाक मिसाइलों से लैस किया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि शायद अमेरिका भारत को 6th जनरेशन लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट में शामिल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के पास भी 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत को 6th जनरेशन लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट में शामिल करेगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल टेक्नोफीरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।